जयवर्धन सिंह ने शिलान्यास एवं क्रिकेट स्टेडियम मैदान का भूमि पूजन किया गया। अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह आरोन पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार संगठन के 10 सदस्यों ने जयवर्धन सिंह का जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता शामिल रहे। जयवर्धन सिंह ने आरोन तहसील में आयोजित जय किसान ऋण माफी योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए। उसके बाद मंडी में जाकर नया अस्पताल का भी शिलान्यास किया। हस्ते ओम मा तिलक धारण मा स्वस्ते तिलक अंच कुर्याता स्वस्ति न इंद्र ऊर्ध्वा स्वस्ति न हाथ लगा ले सर। सर हाथ लगा ले थोड़ा इधर देख सर, हाथ लगवाओ अपने ही सर। ये अपने ही रहना, अपने ही माला सर, अपने ही लोग हैं सर। थोड़ा हाथ, हाँ थोड़ा हाथ देता ले ले इधर शाम। एक बार भी किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाए थे, उनकी बातों में मत आना, गुमराह मत होना। ये सरकार कांग्रेस पार्टी की है। अगर उनको 15 साल मिले थे तो हमें तो 5 साल तो है, लेकिन पहले 1 साल पूरा करने दो, फिर हम बात करेंगे। एक एक किसान जो परेशान था, जो पीड़ित था, जो कर्ज में डूबा हुआ था, उन सब किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, ये हमारा वचन है आप सबसे। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबको अर्ज करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद हमारा नया अस्पताल जो बनने वाला है उसका भी भूमि पूजन किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी सौगात आरोन शहर के लिए है। उसके बाद जो सालों की मांग थी कि हमारी युवा पीढ़ी के पास कोई स्टेडियम आरोन में नहीं था, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में मैंने आरोन शहर के लिए स्टेडियम निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका भी आज हम कॉलेज के पीछे जो जमीन है वहां पर 3 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनाया जाएगा, उसका भी आज ही हम भूमि पूजन करेंगे। कि जो लाखों किसान पिछले 15 साल में कर्ज में डूबे हुए थे, जो किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहा था, आज वही किसान कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि जो वचन कांग्रेस पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिया था वो आज हम पूरा कर रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हजारों किसानों का हर तहसील में कर्ज माफ किया जा रहा है, किसानों दिख रही है, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो अभी हमने विशेषकर पात्रता पे सहकारी खातों के जो ऋण माफ किए हैं, अगले चरण में जैसे ही इसके बाद हम राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें भी एक ऋण माफ किया जाएगा, और पूर्ण जिन्होंने फॉर्म भरे थे सबको इसका लाभ मिलेगा। आरोन से ग्राउंड रिपोर्टर चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट।